आई हैव ऑल दीज थिंग्स जो मुझे ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती हैं. सो टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट ऐसी चीजें जो हर एक बंदे के पास होनी चाहिए टू मेक हिम मोर अट्रैक्टिव, टू मेक हिम मोर प्रेजेंटेबल. मतलब एक वैरायटी एंड ऊपर से एक लेवल ऑफ अट्रैक्टिवनेस वो इन चीज़ों से रीच हो जाता है. वो ऐसी चीज़ें कौन सी हैं, टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट देम. एंड इस वीडियो के एंड तक आपको पता लग जाएगा कि ये चीज़ें कौन सी हैं एंड दैट विल मेक यू ऑटोमेटिकली मोर अट्रैक्टिव. द फर्स्ट थिंग इज, ज़्यादा दूर नहीं जाते, टुडे व्हाट आई एम वेयरिंग इज ऑल ब्लैक. एक बंदे के पास एक ऑल ब्लैक आउटफिट होना ही चाहिए बिकॉज दिस आउटफिट नेवर गोज आउट ऑफ फैशन. एंड आस्क द गर्ल्स, ये आउटफिट बहुत ही अच्छा लगता है. मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं. एंड ये आउटफिट, अगर आप ऑल ब्लैक आउटफिट आप भी पहनोगे तो आपको भी आई कैन गारंटी यू दैट कि बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे, ट्रस्ट मी. अब एक ऑल ब्लैक आउटफिट में क्या होना चाहिए, यू कैन ऑब्वियसली वेयर ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक शर्ट, जो भी आपको दोनों में से कंफर्टेबल लगता है, ब्लैक डेनिम्स, ब्लैक ट्राउजर्स, बूट्स, ब्लैक फॉर्मल शूज, ब्लैक स्नीकर्स, एनीथिंग ऊपर से लेकर नीचे तक. एंड इफ यू आर वेयरिंग अ टर्बन, ऑब्वियसली ब्लैक टर्बन. मिनिमल लुक है, बहुत ही मतलब बजट का लुक भी है, क्योंकि ब्लैक टी शर्ट, अगर आप ऑल ब्लैक टी शर्ट लेते हो H&M वगैरह से या ज़ारा से या कहीं से भी, आपको 600-700 तक की टी शर्ट्स मिल जाएंगी वहाँ से. एंड अगर आपको Amazon से बाय करनी है तो मैं Amazon का भी लिंक नीचे डाल दूंगा. बहुत ही प्लेन, क्योंकि ब्लैक टी शर्ट प्लेन किसी भी ब्रांड की लो, बस उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए. दैट्स द थिंग यू शुड प्रेफर बिफोर बाइंग, ब्लैक प्लेन ब्लैक टी शर्ट्स विद नो ब्रांडिंग एट ऑल, पीछे या आगे कहीं भी. एंड द सेकेंड थिंग यू शुड हैव टू मेक यू लुक मोर अट्रैक्टिव इज, आपके पास एक लेदर जैकेट. आई नो सब बोलते हैं लेदर जैकेट होनी चाहिए, सब बोलते हैं लेदर जैकेट होनी चाहिए, एंड आप सबकी बात मान क्यों नहीं रहे हो, आपके पास सच्ची एक लेदर जैकेट होनी चाहिए. यू शुड गो फॉर द क्वालिटी, आपको एक अच्छी क्वालिटी की, अच्छी फिटिंग की लेदर जैकेट आपके पास होनी चाहिए. इफ़ यू वॉन्ट टू कैरी द बैगी लुक तो उस हिसाब से एक लेदर जैकेट होनी चाहिए. अगर आपको यू वॉन्ट स्लीक एंड मोर फिटेड काइंड ऑफ लुक, आपके पास एक उस हिसाब की लेदर जैकेट होनी चाहिए. कोई भी मतलब, या तो बैगी या तो कोई भी एक लेदर जैकेट बाय कर लो. मेरे पास एक बैगी लेदर जैकेट भी है, एक फिटेड लेदर जैकेट भी है, मैं दोनों यूज़ करता हूँ. आई वेयर बोथ काइंड ऑफ क्लोथ्स, बैगी भी एंड फिटेड भी. नाउ द थर्ड थिंग जो काफ़ी हद तक लोग मिस कर देते हैं, या यू डोंट गिव ड्यू इम्पोर्टेंस टू दैट थिंग, काफ़ी लोग मिस कर देते हैं एंड यू डो नॉट गिव ड्यू इम्पोर्टेंस टू दैट थिंग, वो चीज़ है एक्सेसरीज. आई मीन You should invest in accessories, जैसे कि shades हो गए, glasses हो गए, jewelry हो गई, jewelry में chains हो गई. This chain से एक simple, मान लो एक simple black look के साथ ये chain कितनी सही लग रही है, and वही shades कितने सही लग रहे हैं, glasses कितने सही लग रहे हैं, and you tend to ignore these things, and these things I can guarantee you can, ये आपका 7/10 outfit को 10/10 outfit ले जाने में बहुत ज़्यादा help करती हैं. You can invest in wrist bands if you want to. Wrist bands भी बहुत अच्छे लगते हैं. Recently I bought 2 wrist bands. बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं. Actually you should start investing in accessories. है आपके पास एक चिट्टा कुर्ता पजामा, हैगा? नहीं हैगा ना, लो ना यार जाके एक सिंपल सा वाइट कुर्ता पजामा होना ही चाहिए किसी भी ओकेजन पे, किसी भी दिन. इफ़ यू फील लाइक वेयरिंग अ कुर्ता पजामा, आप वो कुर्ता पजामा पहन सकते हो. एक आपके पास एक एथनिक वेयर है, यू गेट टू स्टेप आउट ऑफ द जोन. ऑल द वीक यू आर वेयरिंग द डेनिम्स, दीज ट्राउजर्स एंड एवरीथिंग, एंड यू स्टेप आउट, वेयर अ कुर्ता पजामा, एंड यार गुड़ियाँ तो आ गई ना पीछे फिर. सो एक
कुर्ता पजामा आई वुड प्रेफर द बेसिक कलर वाइट तो होना ही चाहिए एंड इफ यू हैव वाइट देन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन अदर कलर्स लाइक द ब्लैक वंस द डिफरेंट नेवी ब्लू वंस और कलर जो भी आपको विच एवर योर चॉइस इज आप उस चीज में इन्वेस्ट करो. आपको पता था अब मैं ये वाला जो नेक्स्ट चीज आपको बताऊंगा ये आपके पास होनी चाहिए. आपके पास है भी हो भी सकती है बट एक बहुत ही अच्छा स्लिम स्लीक फिटेड सूट आपके पास होना चाहिए. आई यू नो जो मैंने वर्ड्स कहे हैं उस पर प्लीज फोकस करो. स्लिम फिट स्लीक फिटेड ब्लेजर ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए. इफ यू आर वेयरिंग बैगी थिंग्स बैगी ब्लेजर्स वो आई डोंट नो वेदर यू गाइज लाइक दैम बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है दैट आई डोंट लाइक बैगी सूटिंग एट ऑल. मुझे अच्छा इटालियन लुक वाली चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं. इटालियन लुक वाला ब्लेजर इटालियन लुक वाला सूट आपके पास होना ही चाहिए. वो ही अच्छा लगता है वो ही बेस्ट होता है मेरे हिसाब से. एंड If I look at a person who is wearing a perfectly fitted blazer suit, that's out of the box. The next thing you guys should have is white shoes. बहुत ही common है, बहुत ही common चीज है, but you should have a clean white sneakers in your wardrobe. That will go with anything. Now the summer season आने वाला है, summer season is coming, and उसमें आप किसी भी चीज के साथ white sneakers pair कर सकते हो and आई कैन गारंटी यू दैट कि हर एक आउटफिट के साथ वाइट स्नीकर्स जाते हैं. वाइट स्नीकर्स लिफ्ट अप योर आउटफिट अ लिटल बिट एंड डेफिनेटली इट विल नॉट बी गोइंग आउट ऑफ फैशन एनीवेयर सून. यू शुड इन्वेस्ट इन वाइट स्नीकर्स एंड ऑल्सो इन वन ब्लैक स्नीकर्स. जैसे आप वाइट स्नीकर्स के साथ अपनी सारी चीज़ें पेयर कर सकते हो वैसे ही आप अपने ब्लैक स्नीकर्स के साथ भी चीज़ें पेयर कर सकते हो. नाउ लेट्स टेक योर बॉटम गेम टू नेक्स्ट लेवल. वट आई मीन इज कि आपके पास डिफरेंट टाइप के चीज़ें होनी चाहिए. सिर्फ एक डेनिम्स नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक ट्राउजर्स नहीं होनी चाहिए. यू शुड हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉटम्स. जैसे कि आजकल यू गेट टू वेयर दोज बैगी पैंट्स बैगी ट्राउजर्स बेल बॉटम पैंट्स एवरीथिंग. यू शुड ट्राई दीज डिफरेंट थिंग्स प्लीज स्टाइल देम एंड जस्ट नॉट वेयर वन सिंगल कलर ऑल द टाइम. And if you guys like watching my video, do hit that subscribe button and hit that bell icon to get more notifications on my recent updates. And if you guys are not following me on Instagram, do follow me on Instagram. My Instagram user ID is @GavinJotSinghMohal.